हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू दोज हु हैव क्लियर्ड एनफोर्समेंट ऑफिसर ईपीएफओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम का कल रिजल्ट आया है, यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पे अवेलेबल है। जिन लोगों ने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट है, वहां पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अब आगे क्या, यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ एग्जाम और एपीएफसी एग्जाम, जो कि आपका सपना था एक अधिकारी बनने का, एक कमिश्नर बनने का, वो सिर्फ एक पड़ाव दूर और है। आपने करीबन लाखों बच्चों में से कुछ गिने चुने हजार बच्चों के अंदर या हजार के अराउंड ही जो लोग आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 3 times कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है यूपीएससी ने फॉर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू अपीयरिंग के लिए आपको इतने लोगों को सेलेक्ट किया गया है, 400 पोस्ट के करीब ईपीएफओ ईओएओ में है और 169 के करीब एपीएफसी के अंदर है इस बार जो पोस्ट है। तो अभी असली मुकाबला अब शुरू होता है। अब आपने एक दुनिया की भीड़ की रेस में से तो आप छटके आ गए हो, अब क्रीम आ गई है और फाइनल सेलेक्शन में उस क्रीम के अंदर से बच्चे लिए जाएंगे जो कि इस देश का ईपीएफओ एजेंसी का नेतृत्व करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण पड़ाव क्या है, इसमें महत्वपूर्ण पड़ाव है जो आपका इंटरव्यू है, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है, दैट विल बी रिलेटेड टू हाउ टू फेस द यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यू और यू कैन से पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटरव्यू बेसिकली दो टर्म से बना है। आप अगर इंटरव्यू का जैसे कि हम बोलते हैं उसको अलग अलग करके देखेंगे तो इंटरव्यू इज इंटरनल व्यू। इंटरव्यू आपके इंटरनल व्यू, आपके अंदर के क्या विचार है, आपके अंदर के क्या व्यू है, दैट इज नॉट अबाउट नॉलेज, दैट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, आपको जाके समाज में काम करना है, सोशल वर्क करना है, ऑफिशियल ड्यूटीज निभानी है, आप कितना स्ट्रेस लेवल ले पाते हैं, आप कोई आपके आगे सिचुएशन आ जाती है उसको कैसे संभाल पाते हैं, यही होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू, जिसके अंदर आपको आंका जाएगा इन पैरामीटर्स के हिसाब से। तो बेसिकली देखा जाए तो इंटरव्यू इज इंटरनल व्यू। अब इसके अंदर सबसे जरूरी है कि आपकी जो नॉलेज थी वो ऑलरेडी यूपीएससी ने चेक कर चुका है। यूपीएससी आपकी नॉलेज बाय द वे ऑफ रिटन टेस्ट चेक कर चुका है। आपको नॉलेज की अभी आवश्यकता नहीं है, आप नॉलेज ऑलरेडी यू हैव विद इन योर माइंड यू हैव ऑलरेडी एन फैक्ट्स एंड फिगर्स। बट अब क्या करना है, अब आपको अपने बारे में जानना है, अपने वातावरण के बारे में जानना है, अपने सराउंडिंग्स, अपना होम स्टेट, अपनी डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से आपको एक वेल मैनेज्ड, वेल एडुकेटेड पर्सनैलिटी आपकी आगे प्रेजेंट करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो जो सिलेक्शन प्रक्रिया रहती है, इंटरव्यू की प्रक्रिया रहती है, तो आप देखेंगे कि उस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले क्या है, जो इंटरव्यूअर बैठे हैं वो लोग बहुत ही हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स के। तो यहाँ पे और आपकी एज में करीबन 25 से 30 साल का डिफरेंस है, एज डिफरेंस है आपका और उनका। जो एज डिफरेंस है दैट इज ऑफ वन जनरेशन, दैट इज अराउंड 25 to 30 ईयर्स गैप। तो वो गैप जो है वो आपके हर एस्पेक्ट पे आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जो लैंग्वेज यूज करनी है, दैट लैंग्वेज हैज टू बी वेरी मच फॉर्मल वे में, बहुत ही फॉर्मेलिटी से, बहुत ही फॉर्मल वे में। आपको स्लैंग्स यूज नहीं करने, आपको शॉर्टकट्स यूज नहीं करने, आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। जैसे कि आप अपने फादर से, मदर से, जो कि आपसे एल्डर लोग हैं, वो वहां पे तो घर में तो इनफॉर्मल बातें होती हैं, लेकिन आप कहीं भी, अगर मान लीजिए यू आर वर्किंग प्रेजेंटली समवेयर एंड यू आर गोइंग इन अ मीटिंग, तो आप कैसे अपने बॉस से, जो कि आपसे एक जनरेशन बड़े ही हैं, कैसे आप अपने बॉस से इंटरेक्ट करते हैं, यू नो, कैसे आप अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हैं। तो वैसे ही बड़े फॉर्मली वे में दे आर हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट,
तो आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि यहां पे कोई इनफॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए. आपको एज अ OLQs प्रेजेंट करने हैं. OLQs मींस ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज. सो द ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड, फर्स्ट वर्ड यू स्पीक. आप पहला वर्ड जो बोलेंगे उसी से शुरू हो जाती है कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है. आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट उसी वर्ड से शुरू हो जाती है. तो फर्स्ट माई एडवाइस इज सबसे पहले आपको अपना जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको आपको बेहतरीन रखना है. उसको आपको बहुत ही फॉर्मल वे में रखना है. अगली बात जो आती है वो आती है कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं इंटरव्यूअर के आगे, उसको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में बोलना है. आप अपने आप को प्रेजेंट करो और ऐसे प्रेजेंट करो कि ये नहीं है कि कोई मन मन में बोल रहा है, कोई क्लियर लैंग्वेज नहीं है. आप बड़ी स्पष्टता से बोलो, चाहे आपको आता है उनका क्वेश्चन या नहीं आता, लेकिन आप उनको स्पष्ट रूप से अपने आप को प्रेजेंट करो. अगर आपको नहीं भी आता है तो जस्ट से सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट आई विल डेफिनेटली लुक गो आफ्टर गोइंग होम, आई विल डेफिनेटली लुक आफ्टर द ऑल द इंप्लीकेशंस ऑफ वट एवर द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, है ना. तो इसको क्लियरली वे में आपको उन लोगों के सामने प्रेजेंट करना है. एक चीज ध्यान रखिए, यूपीएससी वो इंस्टीट्यूशन है जिसका जो रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड ऑफ इम्पार्शियलिटी इज इम्पेकेबल. यहाँ पे कभी भी कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. दैट इज जैसे कि हमारे संविधान में भी दिया गया है कि कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मेल फीमेल, ठीक है, रीजनल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजनल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा आपको कहीं भी कुछ लोग बोल देंगे कि यार वहां पे तो अगर नॉर्थ इंडियन इंटरव्यूअर बैठा पा गया और आप साउथ इंडिया से हो तो वो आपको कम मार्क्स देगा, या साउथ इंडियन इंटरव्यूअर बैठअप मिल गया और आप नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है. द इम्पार्शियलिटी ऑफ यूपीएससी इज बियॉन्ड मेनी लेवल्स, है ना. तो वो हम उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते. तो आपको ऐसे जो भी रूमर्स हैं, ऐसे जो भी तर्क वितर्क देने वाले लोग रहते हैं, आपको इस समय पे उनसे दूर रहना है. सिर्फ आपको पॉजिटिव लोगों के बीच रहना है और पॉजिटिविटी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर दिखनी चाहिए. पॉजिटिविटी ये नहीं है कि बस उस दिन आप कुछ भी जाके बोल दो. बिलीव मी, एक चीज मानिए, आप अगर वहां पे सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए एक झूठ भी बोलेंगे, उनको क्लियरली पता चल जाता है दैट ही इज लाइंग टू अस, और उनको पहले ही झटके में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएंगी कि ये जस्ट For the sake of interview, he is using such lines. तो आपको कभी भी वहां पे गलत facts, झूठे facts present नहीं करने हैं interviewer के आगे. आपको सदा जो भी सही रहा है, जो भी fact रहे हैं, आपको सच ही बोलना है. उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू को कैसे प्रोसेस करना है. कई बार होता है कि आप जाएंगे, आप इंटरव्यू में बैठ गए, हाँ जी पूछो सवाल. वो एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपने उसका जवाब दे दिया यस, दूसरा पूछेंगे नो, यस नो. नहीं, ऐसे आपको कभी प्रेजेंट नहीं करना. आप कोई भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में एटलीस्ट एक या दो लाइन आपको बोलनी ही बोलनी है. आपको यस नो, यस नो, नो यस करोगे, वो 5-10 मिनट में वो कहेंगे कि ठीक है, ही जस्ट केम हेयर फॉर फॉर्मेलिटी, और वो बोलेंगे ओके थैंक यू जेंटलमैन, यू मे लीव नाउ. तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है. आपको एक इंटरेस्ट दिखाना है. आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो आपके इंटरव्यू में इंटरेस्ट दिखाएंगे. और जैसा कि मेरा चला था, करीबन 45 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू वहां पे हुआ था. वहां पे बहुत सारे पैनल में ऑफिसर्स थे, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से भी ऑफिसर थे. तो आपको एक महिला ऑफिसर भी थी, एक आपके पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए भी बैठे थे. तो काफी लोग वहां पे बैठते हैं और अलग अलग फील्ड से रहेंगे. जो चेयरमैन थे मेरे, वो उन्होंने शुरुआत की थी. शुरू में सभी के वो चेयरमैन साहब शुरुआत करते होते हैं क्वेश्चंस की, और आपको ऐसा दिखाना है कि वो आपके जो आंसर्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन निकाले. मैन्यूअर योर इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, है ना. आपको उस इंटरव्यू को मैन्यूवर करना है, खुद लेके जाना है दिशा में. जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, यूजुअली हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो यूजुअली इंटरव्यू में क्या रहता है, यूजुअली आप रहेंगे कि आप पहले ही नर्वस रहते हैं सबसे बड़ी बात तो, और नर्वसनेस रहेगी
तो आपको जाते टाइम ये कि हाँ हाँ गुड मॉर्निंग भी बोलना था, गुड आफ्टरनून बोल, कहीं मैं गुड मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून तो नहीं बोल गया, आफ्टरनून की जगह गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल गया, बैठने के लिए पूछा नहीं पूछा। तो आपको सबसे पहले तो काम रहना है, दो वो नहीं रह पाता, आदमी का नेचर रहता है कि वो नहीं रह पाता, बट फिर भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखानी है। आपको स्टार्ट करेंगे, जैसे आपको वहां पे रेड और ग्रीन लाइट रहती है, जैसे ही ग्रीन लाइट रहेगी सिग्नल आएगा कि आप जा सकते हैं वहां पे, प्रोसीड कर सकते हैं, आपको नॉक करना होता है, उसके बाद आप पूछिए कि मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर, जो भी बैठे हैं पीठ पर, और उनको जाके पूछ के वहां पे जाके आप डायरेक्टली, ये नहीं कि चेयर खिसका के बैठ गए, वहां पे जाके खड़े हो जाइए, सभी को जो भी है नमस्ते गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग व्हाट एवर द केस में भी, सभी के साथ आई कॉन्टेक्ट करके आपको ग्रीट करना है, और उसके बाद जैसे ही वो परमिट करें देन यू शुड गो फॉर सिटिंग ऑन दैट चेयर। तो और उसके बाद थैंक यू मैम थैंक यू सर व्हाट एवर द केस में भी। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी, ये नहीं कि वहां पे आप चले जा रहे हो थोड़ा सा नर्वसनेस ज्यादा है जाते ही बैठ के हाँ जी पूछो, तो ऐसे नहीं होता, आपको बहुत ही फॉर्मल वे में चीजों को प्रोसीड करना है। अभी यूजुअली क्या रहता है, सभी के पास यहां तक क्वेश्चन आया रहता है कि वो जाते ही पहला ही क्वेश्चन जो कि यूजुअली पूछते भी हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मेरा भी ऐसे ही केस था, आई वॉज ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछेंगे, तो यहां तक आंसर आ रखा था कि मैं शुरू हो जाऊं, बस उन्होंने बोला कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ और मैं शुरू हो जाऊं, यस आई एम सो एंड सो, माय फादर नेम इज सो एंड सो, ही इज वर्किंग देयर, आई एम वर्किंग दिस, आई एम परस्यूइंग दैट, आई हैव परस्यूड दिस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो एंड सो फोर्थ, तो ये शुरू हो जाऊं। जबकि ऐसा नहीं रहा, मेरे यहां तक वो आंसर आ रखा था, बट क्वेश्चन की जो फायर हुआ मेरे ऊपर दैट वॉज दैट ओके मिस्टर बूरा टेल मी व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, दैट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम विच एवरी वन आस्क। तो मेरा यहां से आया हुआ नीचे गया, दूसरा वापसी आया, तो यहां पर आया कि ओके, तो उस टाइम में मेरे फादर साहब की बिजनेस के अंदर हेल्प करता था अलॉन्ग विद माई स्टडीज, तो बस मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को यही चाहिए था, इंटरव्यू में आपके पास एक पॉइंट आएगा जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, अगर आपने वो पॉइंट पकड़ लिया तो आप उस इंटरव्यू को खुद ही मैन्यूवर करेंगे, खुद ही ड्राइव करेंगे, और उस इंटरव्यू को आप लंबे तक ले जा सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा इंटरव्यू छोटा होना चाहिए, 15 मिनट का इंटरव्यू खत्म निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उस इंटरव्यू को जितना लंबा हो सके जितना इंटरेस्टिंग हो सके उसको बनाना है। तो मेरा आंसर ये था कि सर करंटली आई एम हेल्पिंग माई फादर इन हिज बिजनेस ऑफ फर्टिलाइजर इन इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ GST that is goods and service tax and also helping him implementing the provision of MFMS to mobile based fertilizer monitoring system। to ye main thoda sa zyada tez bola so that ki ek ye interest bane ki ye kya hota hai। to similarly chairman sir said okay GST to we know what is this that next term which you said, so I told him sir it is MFMS मोबाइल बेस्ड फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम, इट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, एंड देन आई स्टार्टेड टेलिंग दैट एसे ऑन व्हाट मोबाइल बेस्ड फर्टिलाइजर सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार लिंक होंगे, वो भी जो भी डायरेक्ट सब्सिडी क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी करना है। तो जितना यूपीएससी में ज्ञान अर्जित किया था उस एक क्वेश्चन के पीछे दे दिया सारा, तो सारा उन लोगों को दे दिया, उसके बाद बोले ओके फाइन। तो मतलब बात कहाँ चली गई, क्वेश्चन था पेपर था लेबर मिनिस्ट्री का, पोस्ट थी लेबर मिनिस्ट्री की, लेकिन बात चल गई फर्टिलाइजर की तरफ क्योंकि वो मेरे फादर साहब का बिजनेस है, तो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री पे बात चली गई। तो फर्टिलाइजर किस टाइप के होते हैं, यूरिया कैसी होती है, DAP क्या, पोटास क्या, कहां से इंपोर्ट करते हैं, कहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी क्यों जरूरी है, क्या लूप होल्स हैं। तो इस तरह से मेरा हाफ ऑफ द इंटरव्यू वाज ऑन दिस फर्टिलाइजर ओनली। तो फर्टिलाइजर पे मैं मैन्यूवर करके लेके गया और वो वहीं चला गया, सही जो तीर जो मेरे को बुलसाई हिट करनी थी वो हिट की, और ये एक्चुअली मेरा पेरेंटल बिजनेस है, तो आई वाज वेल वर्स्ड विद एवरी इंच ऑफ दिस बिजनेस। तो मैं उसको, क्योंकि वो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर भी रह चुके थे दिस
जो हमारे चेयरमैन साहब थे, तो उन्होंने भी, अब एम्बेसडर रहेंगे तो कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता है, तो उनकी नॉलेज में रहती हैं चीजें। तो ये इस तरह मैं अपने इंटरव्यू को लेके गया। उसके बाद मेरे से दूसरे मेंबर्स ने फिर लेबर लॉज के क्वेश्चन आए, वहां पे एक महिला बैठे थे, महिला मेंबर थे, तो मुझे पता था ये जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, दैट वाज ऑलरेडी इन माय माइंड कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैडम पूछेंगे ही पूछेंगे। तो वहां पे रिसेंट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का क्वेश्चन आ चुका था, तो जो क्वेश्चन आया उसमें से कुछ अमेंडमेंट मैं बता पाया, एक अमेंडमेंट मुझे ध्यान नहीं था, तो आई सेड सॉरी मैम आई डोंट नो दैट। तो इंटरव्यू आपको अपने हिसाब से ही मैनवर करना है, अपने हिसाब से ही प्रोसीड करवाना है। और एक बड़ी बात है कि कई बार क्या होता है, एक ह्यूमन पर्सनैलिटी रहती है कि जो क्वेश्चन हमें आ रहा होता है हम उसका उनके क्वेश्चन शुरू खत्म होने से पहले ही आंसर देना शुरू करने लग जाते हैं। जैसे कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, मान लीजिए व्हाट इज जीएसटी, तो उनका पूरा क्वेश्चन हुआ ही नहीं था और आप शुरू हो गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इंप्लीमेंटेड बाय दिस डीए, व्हाई इट वाज ब्रॉट, व्हाई, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस, ये आप शुरू हो गए, जबकि जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था। तो आपको कोई भी जवाब नहीं देना है, आप पहले सुनो, 5 सेकंड का पॉज लीजिए, आप उसके बारे में अपने फैक्ट्स रिकलेक्ट कीजिए एंड देन आंसर दैट इन अ वेरी क्रिस्टल क्लियर वे और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल और टू द पॉइंट बात करके आपको उसका आंसर उन लोगों को प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही जरूरी जरूरी जो एस्पेक्ट रहते हैं वो आपको देखने हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बहुत ही जहां पे यूज ऑफ माइंड देखा जाता है, तो आपको बिल्कुल ओपन माइंडेड रहना है। उस समय दुनिया की कोई भी चिंता है आप उसको भूल जाइए, घर पे कोई बीमार है या कहीं कोई और इश्यू हो गया है, अभी उस टाइम को सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इंटरव्यू पर फोकस करना है। सिर्फ वो 40-50 मिनट जो भी या 30 मिनट जो भी आपको उस रूम में रहने हैं, ये समझिए कि आज इस रूम से मुझे अपनी जॉब सिक्योर करके जानी है, क्योंकि ये आपका लास्ट और फाइनल पड़ाव रहेगा यूजुअली इस एग्जाम का, क्योंकि इसके बाद तो डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट ही आएगी। तो आपको बिल्कुल बड़े ही कॉन्फिडेंट वे में आपको पहले पूरी जो उन्होंने मांगी होती है, प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो कवर अप करने होते हैं, जो डीएफ फॉर्म होता है या फिर फोटोज मंगवाई होती है, तो 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर की फोटो होने चाहिए। मेरे से जो पहले कैंडिडेट थे बेचारे वो समझ नहीं पाए, एनजाइटी में 4 इंच × 4 इंच की इतनी बड़ी फोटो लेके आ गए थे। तो इस टाइप से जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो यूपीएससी ने बोला गया है कि आपको ऐसे आना है, इस ड्रेसिंग सेंस में आना है, ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है आपके, अगर आप जेंट हैं तो वेल ड्रेस्ड अप होने चाहिए, सूट ब्लेजर, ठीक है, और प्रेस्ड कपड़े होने चाहिए, उसके बाद शूज मैचिंग के होने चाहिए, सॉक्स ओड कलर की नहीं होने चाहिए, वेल पॉलिश शूज होने चाहिए, वेल कॉम्ब्ड हेयर्स होने चाहिए, ये सब बहुत ही आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होते हैं। ऐसे ही महिलाओं के लिए आपको साड़ी बोला होता है, जो भी कलर वहां पे मेंशन रहेगा आपको उस साड़ी के अंदर जाना है, और कुछ ऐसी चीजें एक्सपेंसिव, कई लोग एक्सपेंसिव वॉच पहन लेते हैं, तो ये चीजें वहां पे शो ऑफ करने नहीं जा रहे आप गो लाइक अ जेंटलमैन एंड देन अपीयर फॉर दैट इंटरव्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। डिटेल जो कवरेज रहेगा, क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको, कैसे प्रिपेयर करना है, तो आई थिंक वो हर आदमी के लिए हर एस्पेक्ट अलग अलग रहता है, क्योंकि सभी का अलग अलग बैकग्राउंड है, जो रहने का बैकग्राउंड अलग है, स्टेट अलग है, आपने पढ़ाई जो की, एडुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, उसके बाद प्रिपरेशन बैकग्राउंड अलग है, तो वो एक क्यूमुलेटिव वे में मैं यहाँ पे आपको सभी चीज नहीं बता पाऊंगा, दैट कैन बी डन ऑन 1-to-1 इंटरेक्शन बेसिस। तो अवर टीम इज वर्किंग ऑन दैट कि कुछ 1-to-1 इंटरेक्शन सेशन हम रखें फॉर दिस यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी इंटरव्यू, सो दैट आपके जो डाउट्स हैं आपके कि कैसे प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, आपके बैकग्राउंड के, आपके एडुकेशनल बैकग्राउंड के, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, क्या परफेक्ट आंसर देना चाहिए, ये मुझे नहीं पता, हॉबीज से रिलेटेड, तो ये 1-to-1 इंटरेक्शन में, क्योंकि हजारों हॉबी रहती हैं, हजारों बैकग्राउंड रहते हैं, एडुकेशनल बैकग्राउंड, तो हम
आज इस समय पे वो डिस्कस नहीं कर पाते, तो आई एम आस्किंग माय टीम की एक वन टू वन इंटरेक्शन सेशन अगर कोई हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है एडुकेशियस उस पे कंडक्ट हो सकता है, तो वी विल लुक इनटू दैट, अदरवाइज वी विल लेट यू नो व्हाट एवर द लाइव क्लास और सम ऑफलाइन क्लासेस वी विल हैव in Delhi. So I'll let you know about that. You can get that information in the chat section of the Educasius app. And prepare well. Start preparing from today only, because competition is great. But believe me, if you will prepare in an honest manner, be honest with you, be improve your personality, assess your preparation, and you will come out with flying colors. Thank you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.